आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमको एक कॉपर कंडक्टर दिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 × 10⁻⁶ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर दिया है, और इस कॉपर कंडक्टर में हमको करंट आई इक्वल्स टू क्या दिया, 10 एम्पियर्स दिया। करंट आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर्स, और अज्यूम देर आर 8.0 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, मतलब यह एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 8.0 × 10⁻28 दिया है। हम क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको पता है आई इक्वल्स टू करंट एन ई ए वी डी। यह एन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और यह ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू 10 बाई एन इक्वल, हम वी डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए एन ई ए यह नीचे आएगा, इसलिए 8 × 10⁻28 × 1.6 × 10⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू एरिया क्या है 5 × 10⁻⁶, दैट इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। इम्प्लाइज वी डी इक्वल्स टू, ये क्या होता है, 10⁻⁹ × 10⁻⁶ × 10⁻⁹ इसलिए 10/8 × 1.6 × 5 × 10⁻³ प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स 1.56 मीटर्स पर सेकेंड, ये आएगा, ये आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।